हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं कि आप एक्सेल का प्रिंट कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमारे इस मेल पे एक्सेल आया हुआ है पीडीएफ, तो इसका अब हम प्रिंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो इसी चीज़ को हम पूरे स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहें और देखते रहें हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि ये हमारे मेल पे जीमेल पे आया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। तो इस एक्सेल को हम पहले ओपन करते हैं और ये देखिए हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही ये एक्सेल आ गया, अरबिक और इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यहाँ से पहले आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से अगर डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये प्रिंट नहीं होगी, यहाँ से पहले इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो नीचे आ जाएगा डाउनलोड, और डाउनलोड आने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक्सेल ओपन हो रही है, और एक्सेल ओपन होने के बाद आपको क्या करना है ध्यान से देखेंगे, यहाँ इनेबल एडिटिंग दिया हुआ है, तो पहले इसे एडिट कर लेना है तब ये प्रिंट होगा। तो आपको क्या करना है, इनेबल पे क्लिक करना है। इनेबल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये एडिट के लिए रेडी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपने कीबोर्ड पे जाना है और कंट्रोल और पी प्रेस कर लेना है। जैसे आप कंट्रोल और पी प्रेस करते हैं तो प्रिंट के लिए ये रेडी हो चुका है, लेकिन ये देख रहे हैं पेज में पूरे कट है, नहीं पूरा फुल नहीं आ रहा है। तो आप इसे फुल कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं पेज सेटअप का ऑप्शन है, तो पेज सेटअप के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप पेज सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है यहाँ पे लैंडस्केप, यहाँ पे देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ओके करना है। ओके करके देख लेना है कि आपके पेज की क्या हाल है, पेज फुल आया या नहीं आया। तो ये देख रहे हैं पेज फुल नहीं आया, तो यहाँ से आप इसके साइज़ को एडजस्ट करेंगे। तो चलिए हम साइज़ को एडजस्ट करते हैं, जैसे कि हम इसको कर लेते हैं 35 पे और ओके करते हैं। 35 पे ओके करते ही ये देखिए ये पेज जो है फुल आ चुका है। अगर आप देखेंगे ये फुल कट रहा है तो इसको और आप सेटिंग कर लेंगे, 30 पे करेंगे, 25 पे करेंगे और देखेंगे ये फुल आया। अब देखिए ये फुल आ गया, तो अब आप क्या करेंगे कि इसको यहाँ से आप प्रिंट अब आप यहां से कर सकते हैं। और अगर देखेंगे कि और इसको बड़ा करना है, फुल नहीं आ रहा है, कुछ कट रहा है, तो और यहां से जाएंगे 35, 45, 60, जैसा आपका एक्सेल होगा उस इसके हिसाब से, लेकिन ये देख रहे हैं ये कट रहा है, तो आपको क्या करना है 25 पे ही यहां से ओके करके प्रिंट देना है। तो ये देखिए 25 पे फुल आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी प्रिंट यहाँ से प्रिंटर है, ये प्रिंट देना चालू कर चुका है और ये प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप एक्सेल का अपने सिस्टम से प्रिंट निकाल सकते हैं। ये देखिए ये प्रिंट आ चुका है, जब प्रिंट आएगा तो आपको हम दिखाएँगे कि ये किस तरह का, ये देखिए ये प्रिंट हमारा फुल निकल चुका है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो ये जो आपने डाउनलोड किया ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, दिस पीसी आप देख रहे हैं, दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे तो डाउनलोड पे ये देखिए यहाँ हमने डाउनलोड किया है, यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी तरह की कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम उस चीज़ का ज़रूर जवाब देंगे। तो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।